ये सोचो, सबसे पहले अपने बुक निकालो, डाउट सुनो सभी। फिफ्टी नंबर बोलो आप मुझे। 121 ना बच्चों, 121 पेज निकालो आप एग्जाम्पलर का, है ना। 121 पेज पर फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हो आप, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। हाँ बच्चों ध्यान से देखना आप, फोर्थ पेज 121 पर एग्जाम्पलर बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स, विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स। तो आप C इज इक्वल टू F कर दोगे, आप फॉर्मूला आपको दे रखे आप, राइट। C इज इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 160 बाई 9। तो फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर दोनों सेम है बच्चों, सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर दोनों सेम है, क्लियर। जब दोनों सेम है तो उस समय आपकी वैल्यू क्या हो, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। बोर्ड पर देखना बच्चों आप, फोर्थ पार्ट में वो ये बोल रहे हैं व्हेन एफ इज इक्वल टू सी, व्हेन एफ इज इक्वल टू सी, तो जहां पर सी है वहां पर आप एफ कर दो। देखो आप इस सी की वैल्यू मैंने एफ सब्स्टिट्यूट कर दी है, 5f माइनस 160 बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू एफ 9f 5f माइनस 160। अब 5f को आप लेफ्ट में लेकर जाओ, 9f माइनस 5f इज इक्वल टू माइनस 160, 4f इज इक्वल टू माइनस 160, f इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, माइनस f इज इक्वल टू माइनस 4। और c और f मैंने दोनों सेम ली है तो c भी कितना होगा बच्चों, माइनस 14। तो उन्होंने आपसे ये पूछा था व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस 14, दोनों के आंसर सेम आएगा। 127 पेज पर, चलिए बच्चों 127 पेज पर सेकंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये सोचो बाद में एक साथ नोट करना, पहले आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखो बाद में नोट करना। पेज नंबर 147 सेकंड क्वेश्चन, 127 पर क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो क्या लिखा है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है मोमेंटम, ये फॉर्मूला है फिजिक्स का, याद करना आपको, समझ गए ना, राइट। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, याद करो जो बॉलर है जो क्रिकेट में बॉल फेंकती है बच्चों, तो बॉलर दूर से दौड़ के क्यों आता है, मास तो है ही उसके पास, जब दौड़ के आता है वो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है, मोमेंटम उसमें आ जाता है, समझ गए ना, राइट। तो मोमेंटम कैसे बढ़ता है, बॉडी का मास और वेलोसिटी जो दौड़ के आ रहा है वो, जितनी तेजी से दौड़ेगा उतनी तेजी से बॉल की स्पीड बढ़ती है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये गिवन है बच्चों आपको कि मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम का सिंबल मैंने एम ले लिया, नहीं पूरा लिख देता हूँ, मॉम लिख देता हूँ, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको गिवन भी है और आपको याद भी करना है, ये फॉर्मूला है। टेकिंग मास एज 5 यूनिट्स, बोर्ड पर देखो बच्चों मास को मैं 5 ले रहा हूं, राइट एन इक्वेशन मास, अगर मैं मोमेंटम को बच्चों अगर मैं वाई ले लूं, मास को मैं 5 ले लूं और वेलोसिटी को मैं एक्स ले लूं, तो इक्वेशन क्या बनगी बच्चों, वाई इज इक्वल टू 5x। आप सब ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, टेकिंग मास एज 5 राइट एन इक्वेशन इन एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर मोमेंटम लेना है तो मैंने वाई ले लिया और वेलोसिटी आपने एक्स एक्सिस पर लेना है, लिखा हुआ है आप पढ़कर देखो। अच्छा एग्जाम में हो सकता है मैं बोलूं मोमेंटम आप एक्स एक्सिस पर लो तो उल्टा कर देना, अगर मोमेंटम एक्स एक्सिस पर बोलते हो तो यहाँ पर क्या ले लोगे एक्स, और वेलोसिटी में बोलता हूँ वाई एक्सिस पर तो यहाँ पर क्या ले लोगे वाई, ध्यान रखना इस बात का, समझ गए। आगे पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड द मोमेंटम इफ वेलोसिटी इज 3 यूनिट्स, इफ वेलोसिटी, एक तो ग्राफ बनाना है बच्चों, इफ वेलोसिटी इज 3 फाइंड मोमेंटम, इफ वेलोसिटी इज 3
फाइन मोमेंटम, तो ये वाला पार्ट तो हम पहले भी कर सकते हैं, बोलो कैसे। हाँ बच्चों, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्स, तो आप ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर सबसे छूट कर दो, तो मोमेंटम क्या है बच्चों, वाई, वाई इज इक्वल टू 5 × 3, तो आपका 15 आ गया, तो एक आंसर आ गया आपका मोमेंटम आ गया, क्या आ गया बच्चों, मोमेंटम, कितना आ गया मोमेंटम, 15 units when velocity is थी। तो सेकेंड पार्ट हमने पहले सोल्व कर दिया। अब आती है बच्चों बात ग्राफ बनाने की, ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके लिए टेबल आनी चाहिए, y इज इक्वल टू 5x की टेबल बनाएंगे हम, y, x यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर y लिखता हूँ बच्चों, मैं बनाऊ टेबल, x की वैल्यू पहले बोर्ड पर देखो आप, 0 पुट करेंगे यहाँ पर, 5 × 0 क्या होगा, 0, y की वैल्यू क्या होगी, 0, अब x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, 5 × 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू 2 ले लो आप, 5 × 2 कितना हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, शुक्र, चलो शुक्र याद है। अब बच्चों टेबल आगे हमारे पास, अब इस टेबल को मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, कर लोगे, करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम है, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर पे ग्राफ पेपर है तो उस पर बनाओ, नहीं तो रजिस्टर पे बनाओ जल्दी से बच्चों। फास्ट बच्चों, यस, अब बोर्ड पर लिखना बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन, 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x प्लस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 1/3, सब अच्छे बोर्ड पर देखेंगे, एलसीएम ले लो बच्चों आप, ध्यान से देखो, इम्प्लाइज का साइन होता है, किसका साइन होता है, ये इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइज, नहीं बस एक्चुअल में यहाँ इक्वल टू का साइन चल रहा है, राइट, तो आप यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज का मतलब, हम इसके बाद कर रहे हैं काम कर रहे हैं, मेरा इसका मतलब ये होगा, इम्प्लाइज का मतलब इसका नेक्स्ट है, फिर इसका नेक्स्ट है, ओके, क्या बोलते हैं इसको, ये कहीं भी लगा सकते हो आप, एक एक एरो वाली लाइन है, एक एरो वाली लाइन है और दूसरी सिंपल लाइन, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइज। अब इधर देखो आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, जिसका मैथमेटिक्स एलजेब्रा वीक है, पहले बच्चों मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा क्रॉस मेथड से, राइट, तो क्रॉस मेथड मेरा क्या होता है पता है ना, क्या करते हैं, इस 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2x क्या हो जाएगा, अब 1 को करो इससे मल्टीप्लाई, x माइनस 1 नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, एग्री बच्चों, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो, 3 × 6 18 18 plus 1 19 by 3, क्लियर, अब इसको फिर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज 7x माइनस 1/4, अब इसको सोल्व करना, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1 और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, पता चला मैं कैसे कर रहा हूँ, बेसिक है, अब फिर दोबारा एलसीएम लो, फिर दोबारा क्रॉस करो, तो 6 × अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 7x-1 4 × 5x-1 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, स्टेप समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं क्या किया मैंने, एलसीएम लो, 6 × this − 4 × this और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, जो मैं पहली क्लास से समझाता है, सिंपल एलसीएम लो, इज इक्वल टू 19/3, स्टेप्स हो जाए क्लियर, अब इसकी ब्रैकेट ओपन करो, 6 7 जा 42x माइनस 6 माइनस बताओ 20x माइनस माइनस प्लस 4 और नीचे क्या है बच्चों 24, तुम्हें पता है बच्चों कि ये ऐसे ऐसे कटिंग कर सकते हैं, पता है, इज इक्वल टू का साइन है तभी, तो ये या 24 को उधर ले जाता हूँ, मान लो और अब ये बताओ 42 − 20 कितना हो जाएगा, 22x और −6 + 4 कितना होगा, −2, यानी फास्ट अप अपना मैथमेटिक्स, और 24 को उधर ले जाओ, तो 19 × 24/3, पता है तुम्हें इस बात का, जो ये भी 3 को उधर ले जाना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं कि 3 को आप इधर ले जाओगे, आप खाली इसको उधर ले जा सकते हो, पता ही बात, क्लियर हो गया, अब सोल्व करो, 3 × 8 = 19 बताओ जल्दी से, 19 × 8 =
समझदार बच्चे ना आंसर देते हैं, सोचते नहीं है। हाँ बच्चों 152 क्लियर, वो लल्लू बच्चे सोचते रहते हैं। समझ आई मेरी बात, क्लियर हो गया ना। अब -2 को उधर ले जाओ, 22x इज इक्वल टू 152 प्लस 2 कितना हो जाएगा 154। अब 22 से डिवाइड करो, जल्दी बताओ 22 की कौन सी टेबल पे आता है 22, जल्दी 154 को 22 से डिवाइड करो ना। 7 स्मार्ट बच्चे 7 सर तो वो भी ठीक था। अरे कैसे बातें कर रही हो, 22 सीधा 11 था बच्चों, फिर आंसर क्या हुआ 7। स्मार्ट बच्चे चाहिए ना मुझे, मुझे वो बच्चे चाहिए ना पहले 2 से कटिंग करोगे है ना, फिर 3-4 स्टेप में करोगे, देखो ना उस जैसे बच्चे क्यों नहीं मिल सकते आप। तेज तेजी से आंसर दिया उसने, 7 से मल्टीप्लाई किया उसने, उसका आंसर आ गया। अच्छा 7 से क्यों किया, स्मार्ट बच्चा है वो, देखो 1 से कर नहीं सकता, 2 से कर नहीं, 2 टू 4 होता है, और 3 टू 6 होता है यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, 4 टू 8 होता है यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, 5 टू 10 होता है यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, 6 टू 12 होता है यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, 7 टू 14 होता है, तो फटाफट मैं 7 से करूँगा, ऐसे सोचता हूँ राइट। तो क्या किया फिर तूने, यस देख इधर पहले वही कर ले, इधर से ग्राफ नहीं बन रहा, तो इधर देख 2x + 3y = 5 है, टेबल ही तो बनानी है। यहाँ से तो 3y = 5 - 2x, y = 5 - 2xy थे, ठीक है। यहाँ से मैं 2x को उधर ले गया तो 5 - 2x हो गया, और 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब टेबल बना, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू में 1 पुट कर दो, तो करके देख x की वैल्यू 1 पुट करेगा, 5 - 2 क्या होगा 3, 3/3 क्या होगा 1, एक पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया। अब x की कोई और वैल्यू सोच, हटाओ यार नहीं चाहिए मुझे, एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करना, 3 टू 6 माइनस आ जाएगा, अब 4 पुट करो, 4 टू 8 5 - 8 - 3 ये चलेगा, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, x की वैल्यू 4 पुट करेगा तो 2 × 4/3, y = 5 - 8 क्या होगा -3, तो y = क्या होगा -1 आ गया, बन गए 2 पॉइंट। तो ये बात तू नहीं सोच सकता है, तो तेज से नहीं सोच जा रही, तो बता मैं क्यों डरता हूँ, समझ आई मेरी बात, 2 पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ बना के दिखाऊं, पता है 4 - 1 क्या होता है, तो भी ये बता दे 4 माइनस, कोई नहीं बोलेगा 4 - 1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4 - 1 कौन से, यार मैंने यार सुबह से पूछा यार 4 - 1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जल्दी बोलिए, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। थर्ड इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो देखो x प्लस का है और y माइनस का है, x प्लस का है और y माइनस का है, तो 4 होगा ना, इधर देख क्यों लिख सकती है, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, अरे x आ गया IQ बेटे, अगर x नेगेटिव होगा y नेगेटिव होगा तब इधर आएगा ना, फिर छोटी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबसे आसान चैप्टर है, समझ आया ये। अब जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बच्चों, ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट पेज नंबर 129 एग्जांपल है, 128 पर आ जाओ, 7th क्वेश्चन, यस बच्चों 7th क्वेश्चन पेज नंबर 128, 7th क्वेश्चन पेज नंबर 128, ध्यान से देखो 2 पॉइंट्स है बच्चों तुम्हारे पास, कौन कौन से, एक तो बच्चों 2-3 पहले समझ लो, और एक 6-6 ये नहीं 4-0 2-3 और 4-0 ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं ax + by = 1, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है और हमें ग्राफ बताना है,
होमवर्क करके आओ ना बेटे, तो पता होता है क्वेश्चन कहाँ पर है। इजी है, बंद कर दो बुक, बच्चों को बंद कर दो, सारी बुक बंद कर दो अब मुझे। हाँ बच्चों देखो आप, इसने ठीक बताया, इसने मार्क्सिट नहीं, तो देखो आप, लेकिन थोड़ी स्पीड की कमी है। इधर देखो बच्चों आप, 4-0 सबसे पहले, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सेम क्वेश्चन, सबसे पहले ये वाला पॉइंट पुट करो, उससे तुम्हें एक आंसर मिल जाए। सबसे पहले 4-0 पुट करो, इसका नाम ए कर लो, इसका नाम बी कर लो, तो बी 4-0 इस पर लाइक करते हैं, लाइक करते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। लास्ट क्लास में मैंने बोला था अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाइक करता है तो क्या करेगा उसको, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाइक करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए इंटू एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 1/4। एग्री बच्चों, क्लियर हो गया। अब दूसरा, अब 2-3 पुट कर दो, अब जो पॉइंट है बच्चों 2-3 वो पुट कर दो आप, जहाँ पर x है वहाँ पर आप 2 लगाओ, जहाँ पर y है वहाँ पर आप 3 लगाओ, अब 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, a की वैल्यू 1/4 पुट करो, 1/4 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 1, अब कटिंग करो तो 1/2 आ गया, 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 1, विदाउट। अब इसको सोल्व करना है, 1/2 को उधर ले जाओ, तुम पहले एलसीएम लेते हो या पहले सीधा उधर ले जाते हो, डायरेक्ट उधर ले जाओ, तो 1/2 को उधर ले जाना बच्चों, 1/2 को जब आप उधर ले जाओगे तो बताओ क्या आंसर आएगा, 3b इज इक्वल टू 1 - 1/2। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो 2 - 1 1/2 एलसीएम ले लिया मैंने, बी इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6, और a इज इक्वल टू क्या आया 1/2। अब हमें इसके बाद a और b की वैल्यू आ गई, पहले सुन लो आप, समझ लो, ए और बी की वैल्यू आ गई, ये ए और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन 1 में, कहाँ पर, यहाँ पर 1 में पुट करूंगा मैं, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बनाऊंगा। उन्होंने क्या था, उन्होंने क्या बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो आप, ट्रिपल टी लगाओ, ट्रिपल टी मेरा कोड वर्ड है बच्चों, स्पेशल क्वेश्चंस पे लगाता हूं मैं ट्रिपल टी, जो कुछ खास होते हैं उन पर ट्रिपल टी लगवाता हूं, समझ गए, तो बड़ा बड़ा ट्रिपल टी लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, पहले पॉइंट्स को पुट किया, ए और बी की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू मैं वापस पुट कर दूंगा यहाँ पर, इक्वेशन आ गई, फिर टेबल बनाऊंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा, समझ आया ना, जल्दी से इतना नोट कर लो, जो भी नोट करने हैं फिर इसको मुझे रब करने लेफ्ट हैंड साइड पर। हाँ बच्चों अब इधर सुनो आप, आपने ए और ए की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, और b की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दो यहाँ पर 1/4x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 1, तो मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी। अब एलसीएम लो, एलसीएम लो, बताओ क्रॉस क्रॉस मेथड या दूसरा मेथड, कौन से मेथड से, तो 6 इधर जाएगा, 6x प्लस 4 इधर जाएगा, 4y, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, 6 और 4 का मल्टीप्लाई, पता चल गया, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू क्या आया 1, 10 कहां से आ गया, 6 और 6, x और 4y को प्लस कर दोगे, कैसे तुम्हारा IQ लेवल है, ये x है वो y है, प्लस कैसे कर सकते हो आप, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, समझ आ गया, कुछ कॉमन आ रहे तो कॉमन लेके कटिंग कर दो, आ रहे इधर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, IQ बेटे IQ है, कॉमन वो होता है जो दोनों में से बाहर आए, 6 और 4 में से 6 थोड़ी बाहर आएगा, कॉमन क्या आएगा बच्चों 2, यहाँ पर क्या रह गया और यहाँ पर क्या रह गया 2y, अब यहाँ से 2 उधर ले जाओ 24 के नीचे, तो 3x प्लस 2y 24/2 कितना होता है 12, तो तुम्हारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब इसकी टेबल बनानी, नहीं आता आपको टेबल बनाना, x की वैल्यू पहले 0 पुट करो, करो x की वैल्यू आप 0 पुट करो यहाँ पर, तो 3 × 0 क्या होगा 0, राइट, अब y की वैल्यू क्या होगी 2 से डिवाइड कर दो, 12/2 क्या हो गया 6, अब y को 0 पुट करो,
वाई को जीरो पुट करो यहाँ पर, वाई को जीरो पुट करेंगे और फिर थ्री से डिवाइड करेंगे तो 12/3 कितना हो जाएगा 4। तो दो पॉइंट्स हो सकते हैं लाइन को प्लॉट करने के लिए। एक्स वाई ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बताओ 0.6 कहाँ पर होगा, जल्दी बताओ बताओ 0.6 कहाँ होगा, कहाँ पर होगा? तो ये पॉइंट होगा 0.6। 4.0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 4.0। ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिला बन गई लाइन और लाइन के साथ इक्वेशन लिखा करो 3x + 2y = 12। समझ आया? तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली और हमने ग्राफ भी बनाया, दोनों काम हमने किए। समझ आ गया? नोट करो बच्चों, न्यू पेज पर लिखो, न्यू पेज हॉर्स, हॉर्स लिखो नंबर सिस्टम, बड़ा बड़ा लिखो हॉर्स नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले याद है मैंने एक बार आपको फॉर्मूले याद करवाई थी, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, a² + b² + 2ab। तो x x कट जाएगा, तो आपको ये याद रखना है x² + 1/x² + 2, ये याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अगर इसमें से x, चलो खैर अभी इतना ही याद करो, ये जो इसका फ्रैक्शन है ना वो है x = 1 - √2। फाइंड, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, मेरे को समझ नहीं आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सुन लो इधर ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये सोचो बोर्ड पर देखना बच्चों आप, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या है, x² + 1/x² + 2। तो यहाँ से नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, आप इस 2 को इधर लेकर आओ, 2 को इधर ले जाओ, x + 1/x² - 2 = x² + 1/x² बोलो एग्री, इस 2 को हम इधर ले आए। तो अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि x² + 1/x² की तुम्हें वैल्यू निकालनी है एंड दिस इज इक्वल टू x + 1/x² - 2। यस और नो? ये स्टेप समझ आए तुम्हें? जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता चल गया? यहाँ से, मैंने कौन सा a + b² से निकाला मैंने। अब तुम बोले सर आपने ऐसा क्यों किया, इधर देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो बोलो, x की वैल्यू दे रखी है 1 - √2। अब उल्टा कर दो आप इसका, 1/x क्या होगा बोलो, 1/(1 - √2) इसको रेशनलाइज करो, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तुम टेस्ट की तैयारी करके आए, अगर टेस्ट की तैयारी करके आए तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे से रूट खत्म करने तो क्या करना चाहिए मुझे, रेशनलाइज, रेशनलाइज तो 1 + √2 से मल्टीप्लाई, 1 + √2 से डिवाइड करो बच्चों, 1 + √2 से मल्टीप्लाई, 1 + √2 से डिवाइड। अब बताओ ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो आएगा 1 + √2, नीचे क्या बनेगा बच्चों, a² - b² a² - b² कैसे क्यों बनेगा, a - b (a+b) (a - b) (a+b) क्या होता है a² - b² अब सोल्व करो इसको, सोल्व करो बच्चों, 1/x = ऊपर क्या आ गया 1 + √2, नीचे क्या आया बच्चों 1 - 2, 1 - 2 क्या होता है बच्चों -1। तो 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो 1/x = -(1 + √2) यस और नो? यस सर। ये माइनस है, मैं ऊपर ले गया ना बच्चों, ये 1/x की वैल्यू आ गई, बोलो बोलो। यस सर। इस स्टेप समझ आए? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ध्यान से सुनो, x + 1/x निकालना है, क्या निकालना है मुझे, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट कर दो 1 - √2। 1/x की वैल्यू क्या है, माइनस, माइनस यहाँ जाएगा ना फिर -1 + √2, बोलो
वन बाय एक्स की वैल्यू माइनस या प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, आता ही मैथ। अब इसको सोल्व करो, आप क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, वन से वन कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करो, माइनस रूट टू और माइनस रूट टू, कौन बताएगा जल्दी बोल, वाली माइनस रूट टू टेस्ट की जैसे क्या ये, तो खुद देख ले बेसिक एटीवेट कर सकता आ रहा जो तुझे नहीं आता। सुबी माइनस रूट टू और सब हो जाएगा एक है जसराज माक्षी बहुत शर्म की बात हाँ साची माइनस टू रूट टू वेरी सिंपल वन यहाँ पर है वन यहाँ पर है तो माइनस क्या बन गया ये टू रूट टू प्रॉपर्टी कौन से बनी है माइनस रूट टू बाई टू रूट टू यहाँ पर वन यहाँ पर वन अगर यहाँ थ्री होता और यहाँ वन है तो माइनस थ्री और माइनस वन कितना हो गया माइनस फोर तो माइनस फोर अगर यहाँ टू आगे और थ्री यहाँ पर है तो टू और थ्री फाइव ये सब बातें कहीं पर बता चुका हूँ फिर क्या पढ़ाई करते हो तुम ये बताओ ना तुम क्या तैयारी करते हो अब पता चला जब भी तेरी मम्मी तेरा टेस्ट लेती मैं क्यों बोलता हूँ बॉर्डर पे आदमी खड़ी है दुश्मन सामने खड़ा है कंफ्यूज हो गई गोली चलाए कैसे फायरिंग कैसे करते हो सामने गोली मार दे कंफ्यूज नहीं चलता इंसान इधर देखो ये सारी बातें क्या होती है जब हम फेज उतरते हैं कॉम्पिटिशन उतरते हैं ये बातें केवल लोग मेरी सुनते हैं बुआ नहीं सुनती मौसी नहीं सुनती मामी नहीं सुनती सबसे पहले रिजल्ट कौन देखता है बुआ मौसी मामी हमारे पास रोल नंबर हो या ना हो उनको पता चल जाता है इधर देखो बच्चे एक्स प्लस वन बाई एक्स ध्यान से सुनो ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू रूट टू यहाँ लगाओ माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर और माइनस टू पता चला अब बताओ माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा प्लस फोर या माइनस फोर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस टू स्क्वायर क्या होगा फोर और रूट टू का स्क्वायर क्या होगा टू अब फोर टू जब क्या हो गया एट एट माइनस टू क्या होगा सिक्स फिर क्वेश्चन का आंसर आ गया क्वेश्चन क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो ट्रिपल टी लगाओ इस क्वेश्चन पर बहुत मुश्किल है क्यों तुझे पता है आइडेंटिटी यस बच्चों इसी क्वेश्चन को देखो हम दूसरे मेथड से कैसे करते हैं ये टॉपर्स थ्री क्वेश्चन है हर स्कूल में नहीं करवाए जाते किसी किसी स्कूल में करवाए जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में आते हैं इधर देखो बच्चों आप एक्स पर बोर्ड पर देखना बच्चों प्लस वन बाई एक्स पर बोर्ड पर देखना इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ वन माइनस रूट टू का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है वन माइनस रूट टू का स्क्वायर नजरे बोर्ड पर बच्चो अब एक बच्चे ने क्या किया वन का स्क्वायर कर दिया और रूट टू का स्क्वायर कर दिया ऐसे थोड़ी होगा दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब ऐसे नीचे यहां पर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब इसको सोल्व करो वन स्क्वायर कौन बताएगा रूट टू का स्क्वायर माइनस टू रूट टू प्लस वन अपॉन वन प्लस रूट टू का स्क्वायर टू माइनस टू रूट टू यहाँ तो कोई डाउट अब बताओ वन प्लस टू कितना हो गया ये थ्री माइनस टू रूट टू और यहाँ पर भी क्या आ गया थ्री माइनस टू रूट टू एनी डाउट इन दिस समझ आ गया क्लियर हो गया यहाँ तक अब यहाँ पर क्या करो इसको रैशनलाइज कर लो खाली इसको मत इसको नहीं करना इसको कर देखो इधर थ्री माइनस टू रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू थ्री प्लस टू रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या क्या पता चल गया मैंने उसको रैशनलाइज किया समझ आया अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों थ्री माइनस टू रूट टू पहले बोर्ड पर देख लो आप सब क्योंकि सबका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता अब नीचे बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको सोल्व करो बच्चों थ्री प्लस टू रूट टू थ्री स्क्वायर क्या बनेगा नाइन
टू स्क्वायर फोर इंटू टू एट, नाइन माइनस एट क्या होगा वन, नाइन माइनस एट क्या होगा वन, अब टू रूट टू कैंसिल, थ्री प्लस थ्री सिक्स। समझ आया क्या किया? पता चला मैथ्स क्या चीज है।